हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू और आपको नए साल 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नए साल पे हमने ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया है, तो चलिए देखते हैं। हमने बथुए की पूरी, आलू मटर टमाटर की सब्जी और गुड़ की खीर बनाई है, तो चलिए बताते हैं कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले हम पूरी की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने आधा किलो बथुआ लिया है, इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है और वॉश कर लिया है। अब इसे हम उबलते पानी में डालकर गलने तक पकाएंगे। बथुए को हम एक बार चेक कर लेंगे, इसे हम चला लेते हैं, उलट पलट कर लेते हैं ताकि नीचे से भी अच्छे से पक जाए। बथुआ हमारा पका नहीं है, इसलिए थोड़ी देर के लिए और हम छोड़ देंगे। बथुआ अच्छे से गल गया है, इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। बथुए को निकालने के बाद हम ठंडक होने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, बथुआ ठंडा हो चुका है। अब एक मिक्सी जार में डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग भी डाल देंगे। हींग डालने से पूरी का टेस्ट बढ़ जाता है। मिक्सर का लीड लगाकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट कैसा बना है, ऐसा होना चाहिए। अब हम एक परात लेंगे, उसमें 2 कप आटा डालेंगे। अब आटे में हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डालकर हाथ पर क्रश कर लेंगे और उसे भी आटे में डाल देंगे। फिर 1 टेबल स्पून हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम एक गड्ढा बनाएंगे और इसमें 1 कप बथुआ का पेस्ट डालेंगे जो हमने तैयार करके रखा था, और माप हम वही लेंगे जिससे हम आटा माप के रखा था, यानी कि 2 कप आटे में 1 कप बथुआ का पेस्ट लगेगा। जरूरत पड़ने पर हम आटे को पानी से गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, यानी कि पूरी के आटे की तरह हम डो तैयार करेंगे। न ज़्यादा टाइट हो और न ज़्यादा सॉफ्ट हो। आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। इसे हम एक बर्तन में ढककर रख देंगे रेस्ट होने के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। हम गैस जलाएंगे और उस पर एक पतीले में 1 लीटर दूध रखेंगे और उसे उबलने देंगे। दूध उबल चुका है, इसमें हम 1/4 कप चावल डालेंगे। चावल हमने खीर वाला लिया है, मार्केट में ये चावल आसानी से मिल जाता है। ये हमारे घर का चावल है। चावल नया होना चाहिए जिससे खीर गाढ़ी मलाईदार बनती है। दूध में चावल डालने के बाद हम लगातार 2 मिनट तक चलाएंगे जिससे लम्स ना पड़े। खीर बनती है तब तक हम इधर सब्जी काट लेंगे। हमने 2 छिले हुए आलू रखे हैं, अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आलू कट गया, अब हम मसाला पीस लेते हैं। इसके लिए हमने 1 टमाटर लिया है और इसे हमने बारीक बारीक काट लिया है और इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। टमाटर भी कट चुका है, अब इसमें हम 2 हरी मिर्चें डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। मिर्ची आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अदरक को भी हम बारीक काट लेंगे जिसे पीसने में आसानी हो। अब लीड लगाकर हम इसका भी पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए प्यूरी तैयार हो गई है। अब गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, 1/2 छोटे चम्मच हम जीरा डालेंगे और इन्हें चटकने देंगे। 1 लाल मिर्च डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे। देखिए जीरा चटक चुका है, अब इसमें हम आलू डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। सब्जी बनाते बनाते हम खीर भी देखते रहेंगे, क्योंकि खीर बीच बीच में चलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो तले में पकड़ लेगा और खीर से जले की महक आने लगेगी। इधर आलू भी फ्राई हो चुका है, इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। अब हम उसी तेल में मसाले की तैयारी कर लेंगे। जो हमने टमाटर पीस के रखा था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे। मसाले को हम धीमी आंच पर भूनेंगे।
क्योंकि तेज आंच पर भूनने से मसाला जल जाएगा। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। मसाला अलग होने लगा है। अब इसमें हम एक कप मटर के दाने डालेंगे, फ्राई किए हुए आलू भी डाल देंगे और इसे मसाले के साथ पकने देंगे। गैस हम यहाँ पे स्लो ही रखेंगे। एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने से मसाला अच्छे से पक जाएगा। अब हम सब्जी को ढककर कुछ देर पकने देंगे। नमक डालने से सब्जी में से पानी अलग होगा और सब्जी पकने लगेगा। सब्जी और मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छे से चला देंगे। अब कढ़ाई में लीड लगाकर हम धीमी आंच पर सब्जी को पकने देंगे जब तक कि आलू और मटर पक ना जाएं। इधर हम खीर को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दूध गाढ़ा हो चुका है और खीर हमारी कितनी मलाईदार बन गई है। अब चावल को दो उंगलियों के बीच में रख कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एक भी दाना नहीं रह गया है, यानी कि खीर पककर तैयार है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, 3-4 छोटी इलायची क्रश कर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खीर को 2 मिनट हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें लगभग 150 ग्राम गुड़ डालेंगे। एकदम गर्म खीर में हम गुड़ डालेंगे तो दूध हमारा फट जाएगा और खीर का टेक्सचर खराब हो जाएगा। खीर में हमने खजूर का गुड़ डाला है। आपके पास खजूर का गुड़ नहीं है तो आप सिंपल गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ नहीं पसंद तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी हम इसमें 1/4 कप डालेंगे। सब्जी हमारी पककर तैयार हो गई है। अब हम आलू और मटर को चेक कर लेते हैं। इसे हम दबा कर देखेंगे। ये देखिए कितना आसानी से फूट गया और मटर भी अच्छे से फूट गया, यानी कि सब्जी तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून कटी हुई धनिया पत्ती डालकर मिक्स कर लेंगे और लीड लगा देंगे, जिससे इसका फ्लेवर सब्जी में बस जाए। ये लीजिए, सब्जी तैयार है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। खीर में भी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ऊपर से हम ड्राई फ्रूट गार्निश कर लेंगे। सब्जी भी बन गई, खीर भी बन गई। अब हम पूरियां तल लेते हैं। पहले हम आटे को एक बार मसल लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। लोइयां कट चुकी हैं। अब हम हाथ में सूखा आटा लेंगे और एक एक पोर्शन को हथेली के बीच में ऐसे गोल गोल घुमाते हुए हम बोल बना लेंगे। सारी लोइयां बन गई हैं। अब एक एक लोई लेकर हम उसकी पूरी बेल लेंगे और एक साथ 5 से 6 पूरियां बेल कर रख लेंगे, जिससे तलने में आसानी होगी। सारी पूरियां हमने बेल ली हैं। इधर हमने गैस पे तेल रखा है गर्म होने के लिए, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। उसमें हम एक छोटा सा आटे का पोर्शन डालेंगे। ये देखिए, तलकर ऊपर आ गया है। अब इसमें हम एक एक करके बेली हुई पूरियां डालेंगे और इसे ऊपर से हल्का हल्का गर्म तेल डालते जाएंगे और हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, जिससे पूरियां अच्छे से फूल जाएंगी। पूरियां डीप फ्राई होती हैं, इसलिए खाने में हेल्दी नहीं होती हैं, लेकिन इसमें हमने बथुए का साग मिला दिया है और इसे हेल्दी बनाने की छोटी सी कोशिश की है। बच्चे साग सब्जी खाना पसंद नहीं करते, तो आप इसे ही उबालकर आटे में मिलाकर आप पूरी या पराठे बना दें तो बच्चे सब्जियां भी आसानी से खा लेते हैं। ऐसे ही सारी पूरियां हम तल लेंगे। ये देखिए, सारी पूरियां तल कर तैयार हो गई। अब हम थाली लगा लेंगे।
आज की हमारी थाली कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय।